पैक मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया गया और ग्वादर से पहला तजारती सामान समंदर के रास्ते रवाना कर दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि सी पैक मंसूबा ख्वाब से हकीकत में तब्दील हो रहा है, आज तरक्की के एक नए दौर का आगाज हो गया। उन्होंने कहा कि सी पैक मंसूबे से पाकिस्तान तिजारत का मरकज बन जाएगा और पूरे खित्ते की तरक्की का जरिया बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा विजन 2025 तक पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाना है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा इलाके में अमन और सलामती लाएगा। दिस डे मार्क्स द ब्रेकिंग ऑफ द डॉन ऑफ अ न्यू एरा फॉर द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ आवर होल रीजन व्हिच इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस दैट सीपैक ब्रिंग्स बाय इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी and Pakistan's vision 2025 which seeks to transform Pakistan into a regional hub of trade commerce and manufacturing. Wazir Azam Nawaz Sharif ne kaha ki CPEC ke dushman Pakistan ke dushman hain. Dushman Pakistani qaum ke buland hausle past nahi kar sakta aur Pakistan har guzarte waqt ke sath tarakki karega. Such cowardly attacks cannot weaken our resolve to eliminate the menace of extremism and terrorism from our country in all forms. We believe that there is a direct link between peace and development. Therefore, right from the outset, defeating terrorism has been on top of our government's agenda. इस दौरान वज़ीर आज़म ने सी पैक मंसूबे में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के किरदार को सराहा और FWO के शहीद वर्कर्स को खिराज हकीकत भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्वादर सी पैक के सर का ताज है, जबकि तारीखी मंसूबे के बायस बलोचिस्तान और ग्वादर में खुशहाली होगी।